हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं शेयर कर रही हूँ स्पेशली बच्चों के लिए ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर, जो कि प्रोटीन रिच है एंड बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स से भरपूर है। सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने ड्राई फ्रूट्स पाउडर की रेसिपी बहुत सारी देखी होगी, बट ये वाली वीडियो आप स्किप मत करना, क्योंकि ये मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ जो कि मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ। तो काम की चीज़ ही बताऊंगी जो कि आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेरे भी घर में 2 टॉडलर्स हैं एंड मुझे पता है कि उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाना कितना टफ होता है। तो तरीका भी बताऊंगी कि कैसे खिलाना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़, ये रेसिपी इतनी सिंपल है ना कि इसे कोई भी बना सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वॉलनट एंड आलमंड लिया है, उसको 2 से 3 मिनट रोस्ट करके एक अलग से प्लेट में रख लिया है। इसको हम एक साथ ग्राइंड करेंगे। इसके बाद मैंने एक काजू लिया है, उसको भी 2 से 3 मिनट रोस्ट करके मैंने एक प्लेट में इसको अलग से रख लिया है। और यहाँ पर जो मैंने स्पेशल इन्ग्रीडियंट यूज़ किया है वो है पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। मेरी बहन, अगर आप ये वीडियो देख रही हो ना यहाँ तक, तो ये चीज़ें ज़रूर डालना। गजब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें एंड बहुत कम ही लोग हैं जो इसे बेबी के ड्राई फ्रूट्स पाउडर में ऐड करते हैं। आप करके देखना, बच्चों में एनर्जी लेवल दुगनी हो जानी है एंड उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी डिफरेंट तरीके से होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिस्ताचियो को छील लिया है एंड उसको भी मैं 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करके उसी प्लेट में रख दूंगी जहाँ पर मैंने सीड्स और कैश्यू रखा हुआ है। उसके साथ ही हम इसे एक साथ ग्राइंड करेंगे। तो चलिए पम्पकिन सीड्स के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें फाइबर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रॉपर्टीज़ और क्या नहीं होता है, आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स की, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये फाइबर एंड प्रोटीन रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सेवरल विटामिंस एंड मिनरल्स एंड व्हाट नॉट। सनफ्लावर सीड्स की अगर बात करें तो इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी एंड विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स है। देखिए, वीडियो के थ्रू तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा है कि कब क्या कैसे करना है। तो मेरा फोकस इस पे है कि आप सारी सीड्स को ड्राई फ्रूट्स पाउडर में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आप बच्चों को ड्राई रोस्ट करके तो खिला नहीं सकते। तो पाउडर बना लीजिए, इससे बच्चे इजीली कंज्यूम करेंगे एंड उन्हें पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, क्वांटिटी आप कितनी किसकी लेनी है आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए खुद डालें, बट इन सीड्स की क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी से आधे से भी कम रखें, वरना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा जो कि बच्चों को अच्छा नहीं लग सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसे कैसे देना है बच्चों को। तो बहुत ही सिंपल है, आपने जो पाउडर का ये मिक्सचर प्रिपेयर किया है सबको एक साथ एक प्लेट में मिक्स करके आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है एंड डेली लाइफ में आप जो भी फूड बच्चे के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि पैनकेक बनाना हो अगर आपको, तो आप पैनकेक बनाने के बाद लास्ट में 2 स्पून इस ड्राई फ्रूट्स पाउडर को ऐड कर दें एंड बच्चे के लिए पैनकेक प्रिपेयर कर दें, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहे हैं। बाद में अगर आपको कोई स्मूदी बनाना है या बच्चे को कोई स्मूदी आप देते हैं, कुछ भी बनाना शेक या कुछ भी, आप थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दें, ठीक है। एंड साथ में अगर आप कोई भी पराठे के लिए डो रेडी कर रहे हैं, तो आप पराठे के डो में इसको 2 चम्मच डाल सकते हैं। मेक श्योर कि आप उस डो को सेम डे ही यूज़ करें, नेक्स्ट डे अगर आप यूज़ करोगे ना तो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा। आप इसे किसी भी चीले में यूज़ कर सकते हैं, सूजी का चीला हो, बेसन का चीला हो या किसी भी पल्सेस का चीला हो। मैंने यहाँ पे मूंग दाल का चीला बनाया था, तो मैंने 2 स्पून उसमें भी ऐड कर दिया, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ऐड हैं एंड बच्चे खा भी लेते हैं। इस प्रोटीन रिच मैजिकल ड्राई फ्रूट्स पाउडर को आप 8+ मंथ्स अबव बेबीज़ को दे सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।